नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है आपके सम्मान समारोह को लेकर। अगर आप कहीं पर मुख्य अतिथि हैं या आपको विशेष सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है तो ज़रूरी हो जाता है कि वहां पर आप भी उन लोगों का धन्यवाद करें। शुरुआत करें कि सबसे पहले आप सभी को इस सम्मान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, युवा साथी, मेरे आदरणीय सभी वरिष्ठ नागरिक, विशिष्ट अतिथि और सभा में उपस्थित सभी माननीय श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। कुछ सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहूँगा। कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मगौरव से भरे इंसान ही हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में वही लोग दूसरों को सम्मान देते हैं जो खुद आत्म सम्मान से भरे होते हैं। अपने क्षेत्र, प्रांत, देश में बहुत लोग समाज सेवा के कार्य करते हैं, परंतु क्या सभी को सम्मान मिल पाता है? शायद नहीं। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए एक प्रेरणा है, जो आप बड़ों ने समाज सेवक के तौर पर मुझे आदर दिया। ऐसे हमारे दिल में हमेशा एक दूसरे की परवाह होनी चाहिए, ताकि समाज कल्याण के लिए हम हमेशा प्रेरित रहें। किसी शायर ने सच कहा है, उन लोगों को फरिश्तों के भी सलाम आते हैं जो लोग मुसीबतों में काम आते हैं। आज मैंने आपसे जो सम्मान पाया है, इसके लिए अपार खुशी हुई है और आगे भी मैं इसी तरह आपसी सहमति, सहयोग और आपके आशीर्वाद से कार्य करता रहूँगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, जो आपने सम्मान की रीत चलाई। अपने संबोधन के समापन पर दो पंक्तियाँ कहूँगा। ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह वक्त भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह से भाषण दीजिए। आपको धन्यवाद भाषण देना है तो इसमें कुछ बातें आप ले सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल गया। बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भाषण की स्क्रिप्ट लेनी हो, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।